पृथ्वी लोक से लौटे देवदूतों ने स्वर्ग लोक में मोदी का यशोगान सुनाया। सुनते ही देवराज इंद्र का सर चकराया, उसे इंद्रलोक का सिंहासन डोलता नजर आया। दौड़ा दौड़ा पहुंचा ब्रह्मा जी के द्वार, रक्षा करो प्रभु हे जगत आधार। पृथ्वी लोक पर नरेंद्र नाम के मानव ने कोहराम मचाया है, स्वर्ग लोक का सिंहासन हड़पने का विचार उसके मन में आया है। स्वर्ग लोक में मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, लोग राजा का चुनाव करने की मांग कर रहे हैं। बदहवास इंद्र को देख कर ब्रह्मा जी मुस्कुराए बोले, तुम भी इंद्र वो भी नरेंद्र, फिर दोनों के मध्य किस बात का द्वंद्व। हे देवराज, वो मानव है महान, उसे मिला है काशी विश्वनाथ से चक्रवर्ती सम्राट होने का वरदान। इसलिए तुम कैलाश पर्वत जाओ, महादेव को अपनी व्यथा सुनाओ। घबराया इंद्र कैलाश पर्वत आ पहुंचा, कांधे पे लटके वस्त्र से माथे का पसीना पोछा। बोला, हे जटाधारी, स्वर्ग लोक पर आई मुसीबत भारी। पृथ्वी लोक का पूरा वृत्तांत सुनाया, आंखों में आंसू गला भर आया। हे प्रभु, कुछ तो करो उपाय, मेरे सिंहासन और देवताओं की लाज बच जाए। एक मानव स्वर्ग लोक पर राज करेगा और देवता राशन बैंक की लाइन में लगेगा। अप्सरा और दासी एक ही श्रेणी में आएगी। हे प्रभु, स्वर्ग लोक की औकात क्या रह जाएगी। महादेव बोले हे देवराज इंद्र, उचित है आपका ये अंतर्द्वंद, पर नरेंद्र ने कैलाश पर 2 वर्ष के कठिन तप से वरदान पाया है। अमीर और गरीब के भेद को दूर करने का बीड़ा उठाया है, उसकी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। पृथ्वीलोक के बाद स्वर्गलोक की भी बारी आएगी। हे देव, तुम वैकुंठ धाम जाओ, श्री हरि को अपनी व्यथा सुनाओ। सुनते ही इंद्र करने लगा विलाप, हुआ नहीं दूर उसके मन का संताप। थोड़ी देर में होश आया, स्वयं को क्षीर सागर में लेटे लक्ष्मी नारायण के चरणों में पाया। बोला, हे स्वामी, आप तो हैं अंतर्यामी, पृथ्वी लोक पर नरेंद्र नाम का राजा आतंक मचा रहा है। खुद को लक्ष्मी का शत्रु बता रहा है, उसने अपने राज्य में लगा दी है लक्ष्मी पर पाबंदी, प्रजा की भाषा में जिसे कहते हैं नोटबंदी। लक्ष्मी जी बोली, हे देवराज, तुम्हारी बात सुनकर भर आया है मेरा मन। जिसे तुम लक्ष्मी कह रहे हो वो दरअसल में है काला धन। मजदूर के पसीने में, गरीब की रोटी में, किसान के फसल में, बच्चों की मुस्कान में है मेरा धाम। अरे बिस्तर, तकिए, बक्से, टॉयलेट की दीवारों में मेरा क्या काम। हे देवराज, आपकी आशा है व्यर्थ, आपकी सहायता करने में हम नहीं है समर्थ। जाओ वापस इंद्रलोक जाओ, अप्सराओं का रास रंग छोड़, अमीर गरीब का भेद मिटाओ। शतायु पूर्ण होने पर जब नरेंद्र स्वर्गलोक में आएगा, अपने प्रतापी शौर्य सत्कर्मों से स्वर्गलोक का राज सिंहासन पाएगा। स्वर्गलोक को भी है नरेंद्र से एक ही आस, सबका साथ सबका विकास। और इधर पृथ्वीलोक में कुछ संपाति जुगनुओं की तरह टिमटिमा रहे हैं, सूरज को छूने की चाह में अपने पंख जला रहे हैं। परंतु वो सब के सब अपने मुंह की खाएंगे। 30 दिसंबर के बाद वो सारे के सारे जेल जाएंगे। महेंद्र कुमार डागा का जय श्री कृष्ण।